समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राहुल गांधी ने कहा कि हम आरक्षण को 50% से आगे ले जाएंगे। कोर्ट ने 50% का लिमिट लगा रखा है, उससे हटा देंगे। राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की जोबेट और खरगोन की सेंगांव में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। दोनों ही सभाओं में उन्होंने ये बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस संविधान खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया, लेकिन 400 सीट तो छोड़िए, इन्हें 150 सीट भी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी आपका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने नेताओं ने साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी, हम आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से आरक्षण छीन लेंगे और आरक्षण को खत्म कर देंगे। खबर गढ़साना से, जहां नई मंडी गढ़साना में सखी मार्ग स्थित रोहिणी पब्लिक स्कूल में नवाचार की शुरुआत हुई। भव्य तरीके से प्ले स्कूल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के शुभ अवसर पर ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, उपाध्यक्ष सत्यनारायण पारीक, अंतुराम सारस्वत, लिकमाराम सारस्वत, सचिव गिरधारी लाल पारीक, केशव पारीक, विनोद पारीक सहित स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। पंडित संतोष शास्त्री के द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। मौके पर मौजूद तमाम अतिथियों के द्वारा फीता काटकर रोहिणी प्ले स्कूल का उद्घाटन किया। रोहिणी पब्लिक स्कूल के संचालक मनोज दादीच ने बताया कि शिक्षा जीवन का गहना है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बच्चों के जीवन को निखारती है। रोहिणी पब्लिक स्कूल इस कार्य में निष्ठापूर्वक लगा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों के साथ खेलकर पढ़ाया जाएगा, बच्चों को योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक, डांस क्लासेस सहित कई सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल के सारे क्लासेस हवादार युक्त है, लेटेस्ट लर्निंग टॉयज, स्विमिंग पूल, प्रैक्टिस साइट, टूर, गार्डनिंग व फार्मिंग, म्यूजिक, डांस की सुविधा है। साथ ही पूरा स्कूल परिसर सीसीटीवी युक्त है। इस मौके पर मौजूद ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि शिक्षा तो आज सर्वसुलभ है, लेकिन रोहिणी पब्लिक स्कूल जो संस्कार अपने बच्चों में डाल रहा है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना अति आवश्यक है। अंत में रोहिणी पब्लिक स्कूल के संचालक मनोज दादीच ने आए हुए आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। एक्चुअली हमने इस बार स्मार्ट प्ले स्टेशन का निर्माण किया है और हमारा मेन जो फोकस है वो शो एंड टेल एक्टिविटीज पर रहेगा, कि बच्चों को प्रैक्टिकली हर चीज का नॉलेज देना, किस तरह से उनको सिखाया जाए। और सेफ्टी पर हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि छोटे बच्चों की सेफ्टी किस तरह से, मतलब हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम बच्चों को शेयरिंग बनाए, न कि पजेसिव नेचर को बनाए। नॉर्मली जैसे हमने कार रख दी या बाइक रख दिया या स्कूटर रख दिया तो वो एक एक चीज पर एक एक बच्चा कब्जा कर लेता है, तो हमने गेम्स आइटम इस तरह से डिजाइन किए हैं कि उनको प्रत्येक बच्चा शेयर करे, कि एक ही चीज उसको 8-10 बच्चे आराम से शेयर कर रहे हैं, ताकि बच्चे का जो नेचर है वो शेयरिंग हो, न कि पजेसिव हो। तमाम इलाकावासियों से क्या निवेदन, अपील करना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश रहेगा, नॉर्मली बोर्ड को लेकर के बड़ी गफलत रहती है कि सीबीएसई बोर्ड है या आईसीआईसीआई बोर्ड है या राजस्थान आरबीएसई बोर्ड है। मैं सभी से मेरा निवेदन ये है, एक संदेश ये देना चाहूंगा कि 8th तक के जितने भी स्कूल्स होते हैं वो काउंसिल के अंडर में होते हैं। देखो, सिलेबस दो चीजें डिसाइड करती है, एक बोर्ड डिसाइड करता है जिसको मंडल बोलते हैं और एक काउंसिल होती है जिसको परिषद बोलते हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जितने भी होते हैं उनका जो सिलेबस डिजाइन करती है वो एनसीईआरटी करती है या एसआईईआरटी करती है। तो हमने जैसे एनसीईआरटी सिलेबस लगवा रखा है, जो कि नेशनल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि अपने दिल्ली के अंदर है, तो उसमें ये चीजें मायने नहीं रखती। जो बोर्ड होता है वो 9th से होता है, नीचे 8th तक काउंसिल होती है। तो प्लीज कभी भी इस तरह की चीजों के बहकावे में नहीं आए। नई शुरुआत, नया नवाचार, कैसा फील कर रहे हैं सर? बहुत ही उत्साह और बहुत ही उमंग देखने को मिलती है। और हमारी टैगलाइन रही है कि घर नहीं 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 जाऊंगा मैं, रोहिणी स्कूल में रहूंगा मैं। और ये छोटे बच्चे
आपको एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। ऑफ कोर्स किड्स विल क्राई बट व्हाइल बीइंग एट होम। मैं रोहिणी पब्लिक स्कूल द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, सारे अलग अलग समाजों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। मैं रोहिणी पब्लिक स्कूल के संचालक महोदय का और सभी स्टाफ का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि ये बार बार अपने बच्चों के अभिभावकों को बुलाते रहते हैं, उनसे मार्गदर्शन भी लेते रहते हैं, जो कमियां लगती है वो अभिभावक बताते हैं और बच्चे खूब प्रसन्न है, अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। इंग्लिश का जो सबसे प्रथम स्कूल ही कहना चाहिए इनको, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही सुंदर इन्होंने काम किया। ये जब चोरू रहते थे तब मैं खुद जाके इनको वहां चोरू से लाया था कि आप गर्सना में जो आपके गुण है वो तो फूलों की खुशबू गर्सना में भी करो, आपके पिताजी और सारे यहाँ रहते हैं, परिवार यहाँ रहता है, तो आपका लाभ हमें गर्सना में चाहिए। गुरुजी ने, मनोज जी ने ये बात मान ली और थोड़े ही समय में इन्होंने यहाँ ये विद्यालय स्थापित किया। बच्चों की अच्छी शिक्षा है, ये नवाचार करते रहते हैं, हर बार नवाचार करते हैं, कोई कोई नई बात करते हैं जो अन्य स्कूलों में नहीं है, जो अभिभावक नहीं बता सकते उनको पता रहता है कि क्या काम करना है, बच्चों के लिए क्या अच्छा है, बच्चों के भविष्य के लिए ये खूब मेहनत करते हैं, पूरा स्टाफ मेहनत करता है। मैं इनको पूरे बधाई देता हूं कि जोधपुर से खबर, जहां महिला कांग्रेस ने जदएस के सांसद परजुल रवेना को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर देहात महिला जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पटेल ने बताया कि जोधपुर शहर महिला जिला कांग्रेस कमेटी व जोधपुर देहात महिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर कर्नाटक भाजपा के सहयोगी दल के सांसद परजुल रवेना व उनके पिता HD रवेना 1000 से अधिक बहन बेटियों के यौन शोषण और उनके परेशान करने व मानसिक उत्पीड़न व महिलाओं के किडनैपिंग के आरोप लगे हैं, जो महिला अस्मिता व सुरक्षा के खिलाफ है। कासगंज से खबर, जहां जनपद में इलेक्शन ड्यूटी में पिछला भुगतान को लेकर जिले भर की आशा बहने सोमवार को CMO कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ चुनाव ड्यूटी का मेहनताना मिलना चाहिए, तभी ड्यूटी करेंगे। सोमवार को 3 दर्जन से अधिक आशा CMO कार्यालय पर पहुंची, जहां उन्होंने प्रदर्शन के बाद CMO राजीव अग्रवाल से मुलाकात की और चुनाव आयोग के नाम लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा। क्या नाम है आपका? शशि, क्या मांग कर रही हैं? सर, हम ये मांग कर रहे हैं, जैसे हमारी ड्यूटी डलती है तो आंगनवाड़ी को मिलता है, जो भी पैसा मिलता है उसका हमें भी मिलना चाहिए। आपको कभी चुनाव ड्यूटी का पैसा नहीं आया? कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। सर, हम ये चाहते हैं कि हमें भी जो भी काम दिया जाए, काम पूरी सरदर्दी से करते हैं, हर तरीके से काम करते हैं, फिर भी हमें कोई पैसा नहीं मिलता। अगर पैसा नहीं मिला फिर क्या करेंगे? पैसा ड्यूटी तो कर रहे हैं सर, नहीं मिलेगा तो हम क्यों ड्यूटी करेंगे? रमा यादव क्या मांग कर रही है CMO ऑफिस से? CMO ऑफिस से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग जब मंदात साहब है उस पर अपनी ड्यूटी करते हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, यहाँ तक खाना तक नहीं मिलता है, नहीं हमें खाने की इतनी चिंता है, नहीं किसी की चिंता, हमें तो केवल जनता की सेवा करनी है, सेवा करेंगे, उनको गाड़ी में कोई बीमार है या क्या है उनको उठा के एम्बुलेंस बुला के यहाँ स्वास्थ्य विभाग भेजना है, हम लोगों के लिए नहीं तो कोई पैसा मिलता है और नहीं कुछ, सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन ड्यूटी करती है, वहाँ पर कोई चीज की हमारी सुनवाई नहीं है यहाँ पे। भीलवाड़ा से खबर, जहाँ पंचायत समिति सुवाना में पंचायत समिति सभागार में रिव्यू बैठक आयोजित हुई। सुवर्णा विकास अधिकारी बद्रीलाल मीणा ने ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने नरेगा, संपर्क पोर्टल, शहरी व ग्रामीण आवास सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। विकास अधिकारी मीणा ने अधिकारियों को जल्द जल्द पूरा करने के ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए। क्या तो नरेगा पे हुआ था, लेकिन दिशा निर्देश दे गए थे कि आवास, शहरी आवास और ग्रामीण आवास पूरे कराने, इसके बाद संपर्क पर भी, पोर्टल पर भी हुई थी चर्चा, समस्त चीज आरडी में समस्त